सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक दी अवर यूट्यूब चैनल RDX राइडर्स। तो कैसे हो भाई हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए मेरी तरह, यानी कि माई तरह। तो गाइज, आज एक नया ब्लॉग लेके आ गया हूँ। एंड आज का जो ब्लॉग रहने वाला है ना गाइज, ये रहने वाला है हमारे बाइक के ऊपर, यानी कि जो एक साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस बाइक के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ। एंड गाइज, मैं आपको बता दूँ, जो आज मैं एक साथ जो दो वीडियो शूट करने वाला हूँ, एक तो बाइक के ऑनरशिप रिव्यू के रिगार्डिंग, एंड जो दूसरी वीडियो रहेगी वो मेंटेनेंस के ऊपर रहेगी कि आपको किन किन बातों का जो ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी बाइक का जो लॉन्ग टर्म चले। सो इसके लिए मैं सोचा कि दो वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ, बिकॉज क्या है कि मेरे से बहुत सारे लोग भी पूछते हैं कि ये बाइक कैसी है एंड कैसी नहीं है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर जो एक वीडियो पूरी बना देता हूँ। सो आप इंजॉय कीजिए एंड देखिए हमारे जो ऑनरशिप जो रिव्यू रहते हैं मेरे। सो ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे आप जो मेरी बाइक देख सकते हो जो यहाँ पे लगी हुई है, एंड पर आप देख सकते हो जो वहाँ पे सनसेट हो रहा है। एंड यहाँ पे जो बाइक लगी हुई है, मैं आपको सबसे पहले जो बताता हूँ, जिस बाइक में सभी का जो क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि राइडिंग पोस्चर के रिगार्डिंग कैसी है बाइक, एंड लॉन्ग टूर के लिए बाइक कैसी है। देखो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन गाइज वो यही है कि भाई अमेजिंग बाइक है, मेरे को तो देखो बहुत सही लगती है। अगर आपने सोलो राइड करनी है, अगर आपने करनी है गाइज एज अ पिलियन राइड, तो भाई थोड़ा इशू आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप अप हिल्स में या डाउन हिल्स में बाइक को चला रहे, बिकॉज जो पिलियन रहता है उसका जो जितना भी वेट रहता है वो आपके ऊपर आ जाता है, राइडर के ऊपर आ जाता है, एंड जिस कारण जो आपके हाथ रहते हैं इसमें पेन होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड कंधे में एंड जो आपकी नेक रहती है उसमें हल्की हल्की जो पेन होने शुरू हो जाती है। लॉन्ग टूर कर रहे हो इस बाइक में तो गाइज आपको ना अमेजिंग फील आएगा, बिकॉज इसका जो राइडिंग पोस्चर है ना तो पूरा सुपर बाइक वर्ग है। एंड अगर आप रोड में चलते हो तो रोड प्रेजेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि लोग ना मुड़ मुड़ के इस बाइक को देखते हैं तो आपको ना एक अलग फील आएगा। एंड जब मैंने इसमें लॉन्ग ड्राइव की थी गाइज 140 किलोमीटर की, जब मैं घर पहुंचा था उसके बाद भी मेरा मतलब कि मन कर रहा था कि और बाइक चलाऊं और बाइक चलाऊं, अलग लेवल का फील है इस बाइक को चलाने के बाद। एंड गाइज जो सेकंड रहता है इसमें, लोग मेरे से पूछते हैं कि माइलेज क्या रहती है बाइक की, तो मैं आप लोगों को बता दूँ जो इसमें गाइज माइलेज रहती है मेरे पास जो अभी तक दी है वो 40 से 45 की दी है। हाँ, बट अगर आप इसको अच्छे से चलाएंगे तो आपकी 45 से 50 की दे देगी माइलेज, बिकॉज जिस तरीके से मैं चलाता हूँ ना गाइज इस तरीके से तो भाई बहुत दे रही है माइलेज। एंड सबसे मैंने बात बता देता हूँ गाइज, जो उसके ब्रेक लेदर रहते हैं ना पिछले रेयर वाले, तो ये थोड़े जल्दी घिस जाते हैं। एंड अभी जो मेरी बाइक है तकरीबन 6500 किलोमीटर चली है, बट इसके जो रेयर जो डिस्क पैड रहते हैं ये खत्म हो चुके हैं, फ्रंट वाले भी ठीक है। एंड सबसे मैंने बात बता देता हूँ गाइज जो इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में, जो सर्विस कॉस्ट रहती है गाइज आपकी तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक के बीच रहती है, बट ये थोड़ी सी कॉस्टली रहती है इसकी सर्विस, बिकॉज ये 150 cc की बाइक है, 150 cc में अगर हम सर्विस कॉस्ट की बात करें थोड़ी महंगी है, बिकॉज जो बजाज की बाइक रहती है NS में, अभी मैंने रिसेंटली अपने फ्रेंड की बाइक की सर्विस करवाई थी तो वो 1400 रुपये रही थी, विद उसने पिछले जो डिस्क पैड रहते जो वो भी चेंज करवाए थे, उसके साथ जो उसकी टोटल सर्विस कॉस्ट आई थी वो 1400 से 1500 रुपये के अप्रॉक्स आई थी। एंड गाइज अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ उसकी हैंडलिंग की, तो भाई साहब इसकी जो हैंडलिंग एंड जो ब्रेकिंग है ना गाइज एक नंबर है, मतलब कि अगर आप इस बाइक को चला रहे ना एक हैंडल के करके और एक ब्रेक के करके जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल रहता है ना गाइस वो एक नंबर हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको उसको चलाने में एंड कंट्रोल करने में। एंड 150 cc की स्टेटमेंट की बाइक होने के बाद भी गाइज जो ये है 150 से 160 किलोमीटर तक जो चली जाती है, एंड इसका जो पिकअप है बहुत अच्छा है अगर आप सोलो राइड कर रहे हो। हाँ, अगर आप एज अ पिलियन इस बाइक पे जो राइड करते हो तो आपको थोड़ा सा जो पिकअप इसमें कम लगेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये फिर 150 cc की पावर आपको दिखा देती है। जो सबसे अच्छी बात गाइज जो मेरे को लगी अभी तक इस बाइक में वो ये देखो, जब आप इसको स्टार्ट करते हो ना गाइज, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे देखो हाई और यहाँ पे शब्बो लिख के आता है, तो आपने जैसे देखा होगा, तो भाई ये सबसे अच्छा और मेरे को अमेजिंग जो बाइक में फीचर लगा है। एंड गाइज सबसे मैंने बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जो इसमें एक आपको इशू फेस करेंगे वो यही रहता है कि जो उसकी बाइक की लाइट है ना गाइज जो ये थोड़ी इसकी वीक है, यानी कि जैसे कि अगर हम इंसानों में बात करें तुम्हारी आंखें होती हैं जैसे गाइज वैसे इसकी लाइट इसकी आंखें तो ये थोड़ी कमजोर है, इसके लिए आपको जो इसमें चश्मा लगाना पड़ेगा, यानी कि एडिशनली जो आपको अलग से लाइटें लेनी पड़ेगी इनकेस अगर आप नाइट में राइड करते हो तो इसमें आपको ये इशू जो फेस करना पड़ेगा। एंड गाइज मैं आपको सबसे मेन बात बता देता हूँ कि जो इसके शॉकर रहते हैं ना तो ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको इशू फेस करना पड़ेगा अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो इस बाइक। बाकी कई लोग सोचते हैं कि इस बाइक में जो ऑफ रोडिंग नहीं होती है ऐसा कुछ, तो भाई मैं आपको ना एक चैनल है स्क्रीन पे आ भी रहा होगा एंड आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, इसमें जाके आप चेक कर सकते हो वीडियो, इतनी अमेजिंग जो ऑफ रोडिंग करते हैं ना भाई एक R15 में, वो भी ऐसी ऐसी जगहों पर जाके आप देख के खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि भाई इस लेवल की जो ऑफ रोडिंग भी इस बाइक में हो सकती है या नहीं हो सकती है। एंड अभी तक गाइज जो मैंने इसमें कोई भी इशू ऐसा फेस नहीं किया जिससे मतलब कि प्रॉब्लम आए। एंड इसका इंजन है जो बहुत ज़्यादा रिफाइन है, एंड पिकअप तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत अमेजिंग है इसका।
एंड इस बाइक में सबसे मेन बात बता दूँ गाइज, तो आप जितनी मॉडिफिकेशन करवाए ना गाइज उतनी ज़्यादा कम है। तो उसमें जो मैंने अभी तक सिर्फ जो मॉडिफिकेशन करवाई है, एक तो जो इसकी लाइट है वो मैंने टिंट ब्लैक करवा दी हल्की सी, एंड जो विंग लाइट लगवाया है, एंड यहाँ लीवर गार्ड मैंने लगवाया है, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इसमें स्टिकरिंग करवाई हुई है, अपने जो चैनल का नाम रहता है एंड इंस्टाग्राम की जो आईडी रहती है वो लिखाया है, जैसे कि R15 है ये V3। एंड इसमें जो है, जैसे कि आप इसके जो इंडिकेटर देख पा रहे हैं, तो ये थोड़े इसमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो कंपनी इसमें जो है इम्प्रूवमेंट कर सकती थी, क्योंकि जो V4 है इसमें भी सेम इंडिकेटर आते हैं, एंड लाइट में भी जो इस बाइक में इंप्रूवमेंट कर सकती थी अगर चाहती तो, क्योंकि इसकी लाइट जो और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, बिकॉज ये बोलने को तो 150 cc है, बट ये जो पावर है प्रोड्यूस करती है 200 cc की बाइकों के बराबर, तो कहीं ना कहीं पावर के हिसाब से इस बाइक की जो लाइट है ना बहुत ज़्यादा कम लगती है। इसमें अगर थोड़ी लाइट और ज़्यादा इंप्रूव कर देते ना R15 में, तो भाई इस वर्ग की बाइक ना कोई नहीं हो सकती थी। एंड गाइस सबसे मेन बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बाइक है जैसे कि 150 cc की स्टेटमेंट में आती है, बट इसमें ना गाइस क्या है कि डबल स्टैंड नहीं आता है, सिर्फ साइड स्टैंड ही आता है, तो ये थोड़ा इशू है इस बाइक में। अगर आपने मतलब कि चेन वगैरह क्लीन करनी हो तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो इस बाइक में, अगर आपको चेन क्लीन करनी है या कुछ भी और क्लीन करना हो उस बाइक में, या चेन ल्यूब करनी हो या जो बाइक का रिम रहता है इसको करना हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ये इशू भी आप फेस करोगे इस बाइक में। यहाँ पर जो भी ओनरशिप रिव्यू दे रहे हैं, एंड यहाँ पर अपने ये भाई लोग हैं, तो ये अपने भाई है, ये मेरे को हमेशा यहाँ पे मिल जाते हैं। एक दो बारी मैंने इंस्टाग्राम की रील है जो शूट करवाई थी, एंड आज जो यूट्यूब की वीडियोस के लिए आया था, तो ये यहाँ पे आया है। एंड होप करता हूँ गाइस आपको जो ऑनरशिप रिव्यू की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हिट लाइक डू सब्सक्राइब, मिलते किसी अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू लव यू लव यू गाइस, बाय बाय। हाँ मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ी मेरी शान है, मेहनत भरी खून में और हार्ड वर्क काम में, फौज का नाम सुनते ही आ जाता हम मैं चाम में, घर घर जाके देखो हर घर से सैनिक निकलेगा, देश के खातिर जान भी कर देते हम कुर्बान है, डांस में भी राघव।